ये है मंदिर पराशर का। भाई बच्चे यहाँ पे। वाओ यार, सो ब्यूटीफुल। हम आ गए हैं पराशर लेक। ये व्यू देखो यार। स्टार्ट हो गई, अभी तो हमारी लद्दाख राइड स्टार्ट हुई है। अब आ चुके हैं अपन पहाड़ के आई थिंक टॉप पे। हमने कर दिया है टेंट सेटअप। यार ये रास्ता है भी बंद है। थोड़ी थोड़ी आवाजें आ रही थी, जानवर की होती है। इतनी टफ राइड थी ना यार ये। चलो मिलते हैं कपिल भाई वापस। आराम से जाना, बेस्ट ऑफ जर्नी। थैंक यू। और इस चीते को बड़ा मिस करेंगे हम। ओके आशु, चल बाय। थोड़ा गुस्सा हो गया ये। आता हूँ मैं फिर से। अच्छा चल, लव यू। चलो तनु ध्यान रखना, मिलते हैं। टेक केयर। ओके गुलबुल, मिलते हैं जल्दी। तो ये है रिवाल्सर का मार्केट, बहुत ही स्टीप है। ये है रिवाल्सर की फेमस झील, में लिखा हुआ है डोंट फीड द फिशेस। सुबह और शाम के वक्त इतना खूबसूरत होता है ये। रिवाल्सर में आसपास ही मोनेस्ट्री भी है, गुरुद्वारा भी है और मंदिर भी है। अमेजिंग। सो हमने कर दिया रिवाल्सर को टाटा। बहुत ही प्यारा हिल स्टेशन, सुपर एक्सपीरियंस, अमेजिंग दोस्त। एंड अब हम जा रहे हैं पराशर लेक की तरफ, जो कि यहाँ से तकरीबन 3 घंटे दूर है। और इस वक्त बज रहे हैं 1:15। गाड़ी बंद कर रखी है, न्यूट्रल पे चल रही है। और रोड्स भी बहुत ही प्यारी प्यारी हैं। वो पुराना ब्रिज है, नया ब्रिज। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं मंडी शहर में। यहाँ की सड़कें कंपैरेटिवली बिलासपुर से अच्छी है। एंड फिलहाल मंडी हम इसलिए आए हैं बिकॉज हमें एक जियो की पोस्टपेड सिम लेनी है, लद्दाख में काम आएगी हमें। अदरवाइज लेह तक जाने के लिए हमारे पास नेटवर्क नहीं होगा। ये रहा जियो का स्टोर। सो इस वक्त हमें डोमिनोज में मंडी में, एंड क्योंकि 10-15 दिन हम पहाड़ पे होने वाले, तो हमने सोचा कि चलो अच्छा अच्छा पिज्ज़ा खाए, थोड़ा सा केक। ये है कॉर्न एंड चीज़ पिज्ज़ा। सो मंडी चौक है ये, यहाँ पे हमने जियो की सिम ले ली पोस्टपेड। एंड निशा ने यहाँ पे अपने हेयर कट भी करा लिया। अब हम मंडी से पराशर लेक की तरफ चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं। आईआईटी कमांड वाले रास्ते पे हैं। आप मनाली जाओ तो इस रूट से जाना, और टनल वाले से मत जाना। 2020 में आए थे सितंबर। यस, ये वही रोड है जिसमें सितंबर 2020 में मैं और निशा आए थे बाइक पे। सुबह का वक्त था और एवेंजर में इंजन ऑयल एकदम ख़त्म हो गया था इसी एवेंजर में। और आगे जाके कटौला एक जगह आती है, वहाँ पे जाके इंजन सीज हो गया था हमारा। बेचारी कमसिन बाइक के साथ जो गलत हुआ है आज, ये भी बोल रही है अच्छा हुआ मैं खराब हो गई, थोड़ा सा तो मुझ पे रहम खाओ। ये है वो दुष्ट जिसने इस बाइक की ये हालत की। माता रानी रक्षा करना। ये व्यू देखो यार, अमेजिंग। ऐसे किन्नौर की फील आ रही है, इतनी किन्नौर की। और बहुत फाड़ू ट्रिप थी वो, स्पिति वाली। वो आपको दिख रही है यूनिवर्सिटी, एक्चुअली दैट इज आईआईटी मंडी। और ये देखो सारे पहाड़ के मतलब एकदम कह लो नीचे है, बीच में। इतनी गजब ढलान है यार, मतलब पूरे टाइम ब्रेक्स पे पैर। गाइस ये वो पेट्रोल पंप है जिसकी क्लिप मैं डालूंगा यहाँ पे, देखो है कोई। डलवा लिया पेट्रोल, फुल करा ली टंकी। ये आईआईटी मंडी। अब
गाइस हम यहाँ रुके हैं आईटी मंडी के पार, जूस और शेक पीने। तो ये दो भाई हमें मिले यहाँ पे आईटी मंडी से, आईटी कर रहे हैं। चलो ऑल द बेस्ट ब्रो, मिलते हैं फिर, ध्यान रखना। चले मैडम, क्या लिखा चेतावनी में? अगर लाल बत्ती जलती है तो भूस्खलन का खतरा है, कृपया संभल कर चले। भूस्खलन क्या होता है? लैंडस्लाइड। ओह, लैंडस्लाइड। बाय बाय गो माताज। कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रहा है। हाँ बहुत सुंदर है गाइस। ये है वो जगह जहाँ से हमने अपनी बाइक सर्विस करवाई थी काकू भाई से। तो आज हम क्या इधर से गुजर रहे थे, आगे जा रहे थे, तो हमने सोचा एक बार उनसे मिलते हुए चले ऐसे ही। बस बस याद है वो फोन वोन गिर गया था, कुछ गिर गया था, अपन ने उठाया था, पहचान लिया? हाँ बस बस वही गाइस। तो हम आगे कटोला, यहाँ पे हमारा इंजन सीज हुआ था आगे, एंड हमने इन्हीं मैकेनिक भाई से ठीक करवाई थी। तो आज ऐसे जाते वक्त मिलने का मन किया, बट वो भाई थे नहीं अभी। और यहीं पे आगे हमने होटल लिया था, बहुत ही अच्छे लोग हैं। आते वक्त मिलते हैं, पहले पराशर चलते हैं अपन। तो गाइस ये रास्ता कुल्लू के लिए जाता है, ये रास्ता पराशर के लिए ऊपर। हाँ ऊपर हर बार गए, यहाँ पहली बार जा रहे हैं, तो आज फाइनली चढ़ेंगे पहाड़। ओ ये आ गई बस जो तुम कह रही थी। अरे तू ना सामान इतना है ना, साइड में करनी पड़ती है जी। देखिए हेलो, अब आ चुके अपन पहाड़ के आई थिंक टॉप पे। ये देखो यार व्यू, चढ़ाई तो अभी बाकी है। आई वॉज रॉन्ग, अभी तो चढ़ाई बाकी है, 15 किलोमीटर बता रहा है पराशर यहाँ से। खजब है भाई चढ़ाई, अभी पराशर की है तो उमलिंगला की क्या होगी। मुझे लगता है अभी तक की ट्रिप का हाईएस्ट पॉइंट है ये। यहाँ पता है मेरे को वो छितकुल वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि अपन कम डिस्टेंस में बहुत चढ़ाई चढ़े हैं। ओहो ठंडी हवा आ गई, ऑन है अब। जैसे ही वो धूप हटी और यहाँ पे क्या ठंडी हवा स्टार्ट हो गई, अभी तक राइडिंग जैकेट पहनी नहीं थी, अब पहनूंगा। यार चाय पिए एक, ये अंधेरा हो जाएगा। हाँ वाओ यार सो ब्यूटीफुल। पराशर इज 10 किलोमीटर और टाइम हो गया 6:30। क्या नाम लिखा है? हेवनली फॉरेस्ट। नाइस, कैसा लग रहा है निशा? बहुत ही अलग सी फील हो रही है, ठंड लग रही है, जंगल में बहुत शांति शांति है, वहाँ सनसेट हो रहा है, और जैसे झील रहा ना वो पॉइंट नीचे जाना। हाँ और ऐसा लग रहा था कि पराशर नीचे है, बट पराशर काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है। हम रुके हैं एक मैगी पॉइंट पे, इतनी चढ़ाई थी यहाँ से 7 किलोमीटर है। मैं सोचा भाई ब्रेक बनता है, ऑल्दो रात हो जाएगी बट स्टिल ठीक है। आपको लगता है कि बाइक ऐसी खड़ी रहेगी? ये हमारा मैगी पॉइंट, क्या बोलूं, दो मैगी, दो मैगी, दो चाय। कितने सुंदर सेब के बाग हैं यहाँ। एक मेरे पति को पूरी दुनिया के नंबर लेने हैं। भाई क्या कितने हुए आपके? शानू पूरी दुनिया के नंबर इकट्ठे क्यों करते हैं आप? क्या आपको टेलीफोन डायरेक्टरी बनानी है अपनी अलग से? You should move. चलो ओके। वाह 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 वाह, आप ही के 5 किलोमीटर की रोड।
ज्यादा और मजबूत बाजू लेकर लगे रहे। कैंप साइट फैसिलिटी, यहाँ पे कैंपिंग हो सकती है ऐसे कह रहे हैं। यहाँ पर इतनी गजब टफ राइड थी ना यार ये। अब एकदम पीक पे है, एक आध किलोमीटर बचा हुआ है एंड स्टिल ऑफ रोडिंग खत्म ही नहीं हो रही, और गजब ऑफ रोडिंग। और ये चढ़ाई, वो जो पत्थर होते हैं ना, सबसे ज्यादा दिक्कत उनसे होती है, बिकॉज उनसे बैलेंस बिगड़ता है एंड हमारा सामान इतना है ना। मैं चाहता हूँ अपन वहां रुके जहाँ खाने पीने की भी व्यवस्था हो। ऑफ रोडिंग है बट सनसेट एंड द व्यू, आराम से आना यार। रास्ता है भी जाने का। तो मैं चल रही हूँ पैदल फॉर ऑब्वियस रीजंस। मैंने शानू को बोला आप अकेले आइए, होपफुली पहुंच जाएं और वहां पे कैंटीन में कुछ खाने को मिल जाए, बाकी कैंपिंग का देखते हैं। फाइनली, मतलब फाइनली पहुंच गए पराशर। यहाँ है पराशर और हालत पस्त हो गई यार, सीरियसली मतलब बैंड बज गई। अभी तो हमारी लद्दाख राइड स्टार्ट हुई है, पराशर बहुत टफ। एक्चुअली मैं आपको टफनेस का रीज़न जैसे बताया, मैं और निशा दो लोग एवेंजर पे और सामान हमारा इतना, मतलब देखो आप कितनी मिट्टी लग गई यार। अगर इसे बैग बैग होते तो अब तक पता नहीं अपने कितने गंदे हो जाते बैग। आपकी जैकेट कितनी गंदी हो गई है पता है आपको? ये ब्लैकिंग होगी पूरी हो। वो जो आप देख रहे हैं उतरते हुए, वो दीपांशु मैनी है, देख पा रहे हैं क्या? अभी इधर से ही आएंगे। So guys, हमने कर दिया है टेंट सेटअप। निशा बहुत सामान है हमारे पास, देखो यहाँ पे ये इधर हमारा टॉर्च चल रहा है। सो दिस इज आर सेटअप एंड यहाँ पे हमारे कुछ बंजी कॉर्ड्स एंड ऑल। सकलें भी उतरी हुई होंगी बिकॉज हमने अभी टेंट लगाया एंड थक गए हम बहुत ज़्यादा। तकरीबन 9 बजे पराशर पहुँचे, यहाँ पे आके हमने खाना वाना खाया, दूध वूध ले लिया एंड रात को भूख लगेगी तो हमारे पास मैगी और दूध है, स्टोव वगैरह सब है, उसमें बनाते हैं अगर कुछ सीन होता है। और सुबह आपको दिखेगा पराशर। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पराशर। तो ये हमारे कैंप का नज़ारा, रात को अच्छी नींद आई बट क्या हम थोड़े इंक्लाइन पे सो रहे हैं बिकॉज यहाँ पे फ्लैट सरफेस मिला नहीं हमें, सो इट वाज क्वाइट एडवेंचरस। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी आवाज़ें आ रही थी, कुछ जानवर की होती है, कुछ इधर उधर की होती है आवाज़ें। रात को इतने क्लियर तारे दिख रहे थे ना यार, मज़ा आ गया फिर सच में। सामान पूरा बिखरा हुआ था यहाँ पे, इधर 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 यहाँ पे भी है कैंप के अंदर एंड वो बैठी निशा। निशा इधर देखो, रात को अच्छी ठंड थी, 10 डिग्री हो गया था। तो अभी इसको पैक करते हैं, यहाँ से पराशर लेक पास में ही है, वहाँ एक बार जाते हैं, मत्था टेकते हैं, नीचे आएंगे, सामान बाइक में लोड एंड सीधा शूटम शूट मनाली, ठीक है? आओ। वे टू पराशर लेक, चलो। सेम ऐसी चढ़ाई थी जब हम बिजली माले पे गए थे, हालांकि वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैक करना पड़ा था, यहाँ कम है पर चढ़ाई वही है। क्या बात है,
गाइस इस पराशर लेक के भी ना तीन कलर होता है, बारिशों के टाइम पे ग्रीन जैसे अभी हो रहा है, जब प्रॉपर धूप होती है गर्मी होती है तो येलो हो जाता है, और बर्फ में पूरा वाइट हो जाता है। हम जा रहे हैं पराशर लेक की तरफ। ये है मंदिर पराशर का, अभी हमने यहाँ पराशर ऋषि का अभी हमने यहाँ पे दर्शन किए, अंदर की मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करी। तो दोस्तों यहाँ पे अंदर जाना मना है, एज इन कि आप ये मत सोचना यहाँ पे आके अंदर पानी को छू के आए, इंस्टेड यहाँ पे उन्होंने पानी रख रखा है, ये जो पानी है पराशर का ही है, तो आप इससे लेके थोड़ा पानी ऐसे छू के कर सकते हैं, आपने पराशर का पानी ही छुआ है, अंदर मत जाना है, फिर सख्त मना रखा हुआ है। शायद बलि देना, वहाँ तो लिखा है कि बलि देना मना है, तो शायद ये जिंदा जिंदा ही अब चढ़ा देते हैं लोगों को। चलो आओ, झील के चारों तरफ ये वाली नेट लगी हुई है कि इसके अंदर ना तो आप कैंपिंग कर सकते हैं ना आप रुक सकते हैं। हेलो गाइस, हेलो, ओम नमः शिवाय। कौन सा डॉग है ये शानू? ये पहाड़ी डॉग है, ये पहाड़ी डॉग है, बहुत ही प्यार। ना ना बेटा उधर ही, उधर नहीं इधर आ, ना 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 उधर नहीं। तमान लग गए ऑलमोस्ट। हम आ गए हैं पराशर लेक पे जाकर, और यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे पराशर ऋषि ने तपस्या की थी तो उसके बाद इस झील की मान्यता है, इट्स अ होली प्लेस, और वाइब अच्छी है यहाँ पे, पॉजिटिविटी। बाकी दीपांशु मैंने अभी थोड़ा सा ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं तो फिर थोड़ी देर में निकलते हैं यहाँ से मनाली के लिए। मैक्सिमम लोग ये साइट पे कैंपिंग के लिए आते हैं तो अपना खाना पीना पूर खुद लेकर आते हैं, बट एक यहाँ पे एक ढाबा है जहाँ से ऊपर को हम ये लेक के लिए चढ़ते हैं। कर देना इन वादियों में, मंदिर चलेगा नहीं चलेगा, आ जाओ। हो गया स्टार्ट, बंद करो फिर उसको। The task is not easy.